हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल्स। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, यानी कि टाइप्स ऑफ ब्रीडिंग के बारे में, जो कि दो तरह की हैं, आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। नेचुरल में दो टाइप्स पढ़ेंगे, रैंडम क्रॉसेस एंड कंट्रोल क्रॉसेस। आर्टिफिशियल में पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल ब्रीडिंग के बारे में। एनिमल ब्रीडिंग के बारे में, एनिमल ब्रीडिंग हमें पता है क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग का प्रोसेस। ठीक, अब देखो इसका एम क्या होता है, एनिमल ब्रीडिंग का एम क्या होता है, ताकि देखो ऐसे एनिमल्स को जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, उन एनिमल्स को क्रॉस कराना, सो दैट जो आगे की प्रोजनी है हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो। ठीक, वो एनिमल ब्रीडिंग होता है। तो एम ये हुआ कि हमें जो आगे की प्रोजनी जो है मिले, वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल रहे। यानी कि जो काउज हमें यहाँ पे मिल रही है एनिमल हस्बेंड्री में, काउज और बुल्स मिल रहे हैं आगे की प्रोजनी में, तो जो काउज हैं वो ज़्यादा मिल्क यील्ड करें और जो बुल्स हैं वो ज़्यादा एफिशिएंट हो। किस लिए एफिशिएंट हो? ताकि वो अच्छा लेबर वर्क कर सके, यानी कि जो गुड्स कैरी करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं, तो उन सारे वर्क के लिए एफिशिएंट हो। ठीक, तो ये एम होगा एनिमल हस्बेंड्री का, यानी कि जो काउज हैं वो हाई मिल्क यील्डिंग हो, हाई मिल्क यील्ड करें, एंड जो बुल्स हो एफिशिएंट हो, वर्कलोड कैरी कर सके, वर्कलोड लेबर वर्क जो होता है उनका, बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं हम लोग उनको। ठीक है, तो ये हो गया इसका एम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एनिमल ब्रीडिंग में होता क्या है। तो ये दो टाइप्स का होता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल में हम लोग दो तरह के पढ़ेंगे एंड आर्टिफिशियल में एक ही चीज़ है, आर्टिफिशियल। ठीक, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे सो दैट वी मे अंडरस्टैंड मोर इजली। ऑल राइट, तो नेचुरल में दो चीज़ें क्या हैं, एक है रैंडम क्रॉस, रैंडम क्रॉस ब्रीडिंग, एंड सेकेंड वन इज कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग, कंट्रोल्ड क्रॉस ब्रीडिंग। आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रैंडम क्रॉस में क्या होगा, जो पेडिग्री बुल्स होंगी उनको ग्रेजिंग काउस के साथ क्रॉस करा दे, छोड़ देंगे ऐसी, जो ग्राउंड्स होते हैं इनके एनिमल्स होते हैं वहीं पे ही जो बुल्स होंगी उनको छोड़ देंगे। ठीक है, तो क्या पॉइंट यहाँ पे हमें अगर लिखने को आएगा, तो क्या पॉइंट लिखेंगे कि ग्रेजिंग काउस के साथ, ग्रेजिंग काउस के साथ पेडिग्री, यानी कि एक जैसी बुल्स जो होती पेडिग्री बुल्स को हम लोग छोड़ देंगे एक ग्राउंड में, वो अपने आप क्रॉस कर लेंगी। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होगा, जो सुपीरियर बुल्स होंगी, सुपीरियर बुल्स होंगी जो कि एग्जॉटिक भी हो सकती, सुपीरियर बुल्स एग्जॉटिक बुल्स कह सकते हैं, वो यहाँ की नेटिव उनका क्रॉस कराएंगे हम लोग, सुपीरियर बुल्स का क्रॉस कराएंगे नेटिव बुल के साथ। ठीक है, सुपीरियर बुल्स आर क्रॉस्ड, सॉरी नेटिव काउस के साथ, क्योंकि बुल्स का बुल से क्रॉस नहीं हो सकता, नेटिव काउ के साथ क्रॉस कराएंगे, क्रॉस्ड विद नेटिव काउस। ठीक है, या सुपीरियर बुल्स, नेटिव काउस, एग्जॉटिक बुल्स जो होंगी। ठीक, तो इससे जो हमें आगे की प्रोजनी मिलेगी वो सुपीरियर वैरायटी की मिलेगी। सुपीरियर वैरायटी का क्या मतलब है अब यहाँ पे, कि जो काउज हो वो हाई मिल्क यील्डिंग हो, लॉन्गर लैक्टेशन पीरियड हो, जिसकी वजह से वो डिसीज रेजिस्टेंस होंगी, एंड जो बुल्स होंगी वो बीस्ट ऑफ बर्डन कहलाएंगी, यानी कि वो अच्छा लेबर वर्क कर लेगी। ठीक है, आर्टिफिशियल में अब बात करते हैं आर्टिफिशियल की। ये पॉइंट्स यू मे नोट डाउन, कॉपी डाउन, ऑल राइट, एज अ नोट्स यू कैन कॉपी देम डाउन। आर्टिफिशियल की बात करते हैं अब हम लोग। आर्टिफिशियल में एक लंबा सा बड़ा सा प्रोसेस, सो आई प्रिफर टू राइट आर्टिफिशियल ब्रीडिंग सेपरेटली ओनली।
बिकॉज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कंटेन्स मेनी मेनी पॉइंट्स ऑलराइट, सो इट कैन बी एक्सप्लेन इन जस्ट अ कॉलम. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग बिकॉज सिग्निफिकेंस ऑल्सो वी हैव टू स्टडी ऑफ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कंटेन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड ऑल, सो फुल बोर्ड इज रिक्वायर्ड. ठीक, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग अब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं. आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में आएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में. ठीक है, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में आएगा. ठीक, इसमें होता क्या है, देखो ये एक प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, देखो जो सेमेन होता है यानी कि स्पर्म सेल्स, वो बुल के यानी कि सुपीरियर बुल के ले लिए जाते हैं. ठीक, उसको स्टोर करा जाता है. मैं लिखती जाती हूँ. ठीक, सेमेन ऑफ अ हाई क्वालिटी यानी कि सुपीरियर बुल का बुल इज टेकन एंड स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 5-starred क्वेश्चन. लिक्विड नाइट्रोजन एट -196 डिग्री सेल्सियस. ठीक, लैब में रखा जाता है एंड दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स. ऑल राइट, तो ये लिया जाता है. ठीक, सेमेन लिया जाता है जो काउज होती हैं, जो हेल्दी काउज होती हैं उनकी बॉडी में डाल दिया जाता है. ठीक, किस समय डाला जाता है, तो वो है होता है ऑस्ट्रस एस्ट्रस, अब बोलते हैं क्योंकि एस्ट्रस ओ साइलेंट होता है, ओ हट ही गया है इसमें से, एस्ट्रस पीरियड में बॉडी में इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है सेमेन. ठीक, अब ये क्या होता है एस्ट्रस पीरियड, देखो जैसे मेंसेस पीरियड होता है वैसे एस्ट्रस पीरियड होता है. ठीक, इसमें होता क्या है, जो एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियम मेंसेस में जो होता है एंडोमेट्रियम वो रिलीज हो जाता है बॉडी से बाहर. ठीक, लेकिन एस्ट्रस में क्या होता है कि ये एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंडोमेट्रियम. तो ये एनिमल्स में होता है एस्ट्रस पीरियड एनिमल्स में होता है एंड ये ह्यूमंस में. ठीक, इसका तो अभी कोई काम नहीं है, तो यहाँ पे बस छोटा सा ये टर्म आया, तो दैट्स व्हाई आई एक्सप्लेन टू यू. ठीक है, तो एस्ट्रस पीरियड में उसकी बॉडी में, काऊ की बॉडी में सेमेन को इंट्रोड्यूस करा दिया जाएगा. ठीक, इससे होगा क्या कि जो आगे जो एक बुल जो है हमारे पास, एक बुल के सेमेन से काफ़ी सारी काउज, हम लोग ऐसे काफ़ी सारी काउज के थ्रू नेक्स्ट प्रोजनी बना सकते हैं, और जो नेक्स्ट प्रोजनी होगी वो सुपीरियर होगी. सुपीरियर इन द सेंस जो काउज होंगी वो हाई मिल्क यील्डिंग होगी और जो बुल्स होंगे वो गुड लोडर होंगे, यानी कि गुड लोडर. सो गाइस, अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के बारे में. तो क्या होता है, सेवरल काउज कैन बी, सेवरल काउज कितनी, 300 अप्रॉक्स 300 काउज इंसेमिनेटेड हो सकती, कैन काउज कैन बी इंसेमिनेटेड बाय द सेमेन ऑफ सिंगल सुपीरियर बुल. ठीक है, सिंगल सुपीरियर बुल. ठीक, इट इंश्योर्स द प्रोजनी ऑफ गुड क्वालिटी, यानी कि जो प्रोजनी इससे आगे बनेगी वो 100% बहुत अच्छी प्रोजनी बनेगी, यानी कि जो काउज होंगी बहुत हाई मिल्क यील्डिंग होंगी और जो बफेलो जो बुल्स होंगे वो बहुत एफिशिएंट लेबर होंगे. ठीक है, इंश्योर्स प्रोजनी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी. एंड सबसे मेन बात, जो सेमेन है दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी मेनी ईयर्स एट दिस टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस,
इन लिक्विड नाइट्रोजन फॉर मेनी मेनी ईयर्स. इट कैन बी प्लेस्ड, इट कैन बी स्टोर्ड. सेमेन कैन बी स्टोर्ड फॉर मेनी ईयर्स एट टेम्परेचर -196°C इन लिक्विड नाइट्रोजन. गॉट इट? सो यहाँ पे सिग्निफिकेंस इसके कंप्लीट हो गए हैं. सो आज की वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. दैट विल बी वेरी मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. ऑल राइट, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप होंगे नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बताऊंगी उसके बारे में. ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे. ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो देन प्लीज़ हिट लाइक बटन टू दिस वीडियो एंड प्रीवियस वीडियोज़ में भी जा कर के देखिएगा. काफ़ी मेन टॉपिक्स मेन चैप्टर्स भी कवर कर दिए हैं प्रीवियस वीडियोज़ में. सो कीप सपोर्टिंग गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए एंड शेयर माई वीडियोज़ टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर डियर वंस. बाय बाय.